अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी जिसे कहते हैं चित्रक। इसे चित्ता घास भी कहते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और घंटी के बटन को भी प्रेस करें जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये हैं चित्रक। इसे सफ़ेद चित्रक कहते हैं, लाल चित्रक भी आती है। ये सफ़ेद चित्रक है, इसकी पहचान कीजिए। इस पर सफ़ेद फूल हैं और फूलों के पास ये इसकी फली सी आती हैं। फली नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही चिपचिपी होती हैं। ये देखिए, सफ़ेद फूल हैं और ये हैं इसका तना। ऐसा होता है, इसकी फूलों से इससे पहचान कीजिए। इसको अगर हम हाथ में लेते हैं, मुट्ठी में दबाते हैं, तो चिपक सी जाती है, चिपचिपासा होता है। इसके पत्ते भी पहचान कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। इसका जो है फ़ायदा, सफ़ेद दाग में बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ एक बार लगाने से सफ़ेद दाग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। अब ये लगाना कैसे है? इस पौधे की आपने पहचान तो कर ही ली होगी, इसे चित्रक कहते हैं, सफ़ेद चित्रक। चाहे चित्रक सफ़ेद मिले या लाल मिले, कोई सी भी मिले, इसकी आपको जड़ लेनी है। जड़, इसकी जड़ लें और जड़ को निकाल कर अच्छी तरह से उसे साफ़ कर ले, धो लें। और जब जहाँ भी आपके सफ़ेद दाग हैं, छोटा मोटा कहीं दाग है, कहीं भी हो पूरे जिस्म पर, तो इसको लगाना कैसे है? इसको आप एक साफ़ सिलबट्टा लें, पत्थर का एक सिल लें, उस पे दो चार बूंद पानी डालें और इसकी जड़ को लेकर आप खूब अच्छी तरह से घिसे। जब आप घिसेंगे तो इसमें एक लुआब सा पैदा होगा, चटनी सी की तरह, बहुत बारीक। ये आपको इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल कैसे करना है? जहाँ भी सफ़ेद दाग हैं, वहाँ पर आप इसके घिसे हुए पत्थर पर घिसे हुए जो लुआब है, उसको आप लगाएं। अच्छी तरह से लगाकर आपको फिर क्या करना है? एक जो कंडा होता है, गाय भैंसों के गोबर से बनाकर सुखाया जाता है, उसको आप जलता हुआ लें। इसे कहीं पर गोस्सा भी कहते हैं, गोस्सा, और कहीं पर इसे कंडा कहते हैं। तो ये जलता हुआ लें और जहां आपने लेप किया है सफ़ेद दाग पर, वहां इसकी इस कंडे से सिकाई करें, जलते हुए कंडे से सिकाई करें। जब वह सूख जाए तो उसे बस ऐसे ही छोड़ दें। दो तीन दिन बाद आप देखेंगे वहाँ पर एक फोला सा पैदा हो जाएगा। तो उसको क्या करना है? आप किसी साफ़ सुई से, डॉक्टर वाली सिरिंज होती है उसकी सुई से, या किसी भी सुई से बिल्कुल साफ़ अच्छी तरह साफ करके उससे उसका पानी निकाल दें। अगर जख्म सा हो बन जाए तो उस पर आप गाय का मक्खन या भैंस का हो वो भी लगा सकते हैं। जब वो ठीक हो जाए तो आप देखेंगे एक ही बार लगाने से आपका सफ़ेद दाग जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर फिर भी आपको ये लगे कि थोड़ा बहुत रह गया है, तो एक बार फिर इसी तरह से इस चित्रक की जड़ को लें और जड़ को इसी तरह सिल पर घिस कर, दो चार बूंद पानी डालकर अच्छी तरह घिस कर, फिर लुआब सा पैदा होगा, उस लुआब को एक बार और लगा दें आप, तो देखेंगे दूसरी बार लगाने से तो सफ़ेद दाग जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप इसे लगाएं। तो दोस्तों, आप इस जड़ी बूटी को जब दोबारा लगाएंगे, तो दोबारा लगाने से सफ़ेद दाग जड़ से ख़त्म हो जाता है, और छोटा मोटा सफ़ेद दाग तो एक ही बार लगाने से ठीक हो जाता है। अगर पूरे जिस्म पर सफ़ेद दाग है तो उसके लिए अलग से भी किसी वैद्य हकीम से मशवरा करके अलग से भी दवाई ले सकते हैं, या हमसे भी मंगा सकते हैं। हमने अपना फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, अगर कोई मंगाना चाहे तो
तो मंगा सकता है। तो दोस्तों आप इस दवाई को यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। ये सफ़ेद चित्रक बहुत ही मुजर्रब और पेटेंट औषधि है, इसको आप लगाएं और फ़ायदा उठाएं। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।